नाउ बिफोर आई वॉन्ट गो ऑन टू अदर डिस्कशंस, ठीक है, थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग वन मार्क ऑफ योर पेपर, ठीक है, और लाजमी है अब सबको थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम इसके अंदर आंसर्स हम कैसे लिख रहे होंगे. सो वट आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स बिफोर मी वी मूव ऑन फर्दर. एंड लेट्स ऑल्सो हैव अ डिस्कशन ऑन कि अगर हम ऐसी सवाल कर रहे हैं तो हमें आंसर्स किस लिहाज से लिखने हैं, कितनी राउंडिंग ऑफ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. अच्छा, सो सबसे पहले तो द सिग्निफिकेंट फिगर दैट वी ऑल नीड टू नो कि द फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की एग्जाम्पल ये होती है कि अगर आपके पास टू 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 लिखा हो, ठीक है, तो ऑल दोज नंबर्स दैट आर नॉन जीरोज, ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो दे ऑल आर सिग्निफिकेंट, तो ये आपको मिलेगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. आई एम गोइंग टू राइट एस एफ जी, दिस इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, इफ आई राइट 0022, तो ऑल जीरोज दैट प्रिसीड नंबर्स, ठीक है, यानी ऑल जीरोज दैट प्रिसीड एनी नॉन जीरो नंबर आर ऑल इनसिग्निफिकेंट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. इसी तरह अगर डेसिमल प्लेस से पहले भी, यानी डेसिमल प्लेस के बाद भी जीरोज आ रहे हैं और उनसे पहले कोई नंबर नहीं था, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर स्टिल गोइंग टू बी काउंटेड एज प्रिसीडिंग जीरोज, दिस इज स्टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जीरो जब भी प्रिसीड कर रहा है और उससे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा था, तो जितने भी जीरो आए और बाद में नंबर आ रहा है, तो वो सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, वी विल नाउ कंसिडर दिस जीरो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो दिस टाइम दिस नंबर हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसी तरह इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, सो स्टिल दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज सिग्निफिकेंट, ऑल ऑफ दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाएंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. डोंट वरी, मैं सबको प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स भी दूंगा, विल एड इन प्रैक्टिस एग्जाम्पल इसके बाद. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज, इसमें थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 200 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है. अच्छा, ऑल जीरोज जो नॉन जीरो नंबर के बाद आते हैं, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट से पहले आते हैं, ये सारे इनसिग्निफिकेंट है, यानी ये अभी भी वन सिग्निफिकेंट फिगर ही आ रहा है, ठीक है. लेकिन अगर मैं लिखता 2.00, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने 0.00 लिख दिया, तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट के बाद जबरदस्ती जानबूझ के 0.00 डालता हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां तक, इतनी सिग्निफिकेंस तक मैंने सही मेजर किया है, सो दिस विल बी रिगार्डेड एज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन, ठीक है. तो व्हाट वर द रूल्स, नॉन जीरो वैसे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो अगर पहले आ रहे हैं, चाहे डेसिमल के बाद चाहे डेसिमल से पहले, जो भी हो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, जीरो अगर बीच में आ रहे हैं दो नॉन जीरो के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर जीरो एंड में आता है डेसिमल पॉइंट से पहले तो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो जितने भी आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है. सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, ठीक है, यू गाइज आर गोइंग टू हेल्प मी अलोंग विद दिस. सो 10800, ये कितने सिग्निफिकेंट है? ठीक है, अल्मा सेज थ्री, आई सेज थ्री, एवरीवन अग्रीज, ये सब थ्री होंगे, एवरीवन जिन्होंने भी कहा थ्री दे आर करेक्ट. अच्छा जी, नाउ 0.002, हाउ मच इज दिस? ठीक है, वन, एवरी वन इज करेक्ट अगेन, ये सब वन सिग्निफिकेंट फिगर आ गया. ओके, 2.0050, हाउ मच इज दिस? ओके, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज फोर. अच्छा, सो दिस इजंट फोर सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज फाइव, ठीक है. हाउ इज दिस फाइव? ये सिग्निफिकेंट, ठीक है,
और ये भी सिग्निफिकेंट है। अब दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो गए, और जो जीरो सिग्निफिक डेसिमल प्लेस के बाद आता है वो ऑटोमेटिकली वैसे भी सिग्निफिकेंट होता है। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुई हो। लेट्स टेक अ लास्ट एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू से 8.706, 8.700। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस, कितना सिग्निफिकेंट है ये? फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी गुड एक्चुअली। ओके नाउ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिहाज से हाउ आर यू गोइंग टू गिव न्यूमेरिकल आंसर्स? ठीक है, दिस इज गोइंग टू अप्लाई फॉर बोथ योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर्स। फिजिक्स में अगर आंसर्स जो हैं वो सही राउंड ऑफ करके नहीं किया, ठीक है, अगर सही राउंड ऑफ करके नहीं लिखा, अगर एरर किया, तो पूरे पेपर में से एक मार्क ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, सो वी नीड टू मेक श्योर जितना हमारी कोशिश हो, जितना हमसे हो सके, हम आंसर्स को सही तरह ही लिख के आए। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द रूल फॉर दैट? द रूल फॉर दैट इज, और मैं जो हूँ वो कुछ स्टैंडर्ड सी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। सो लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड सी एग्जाम्पल। ए जो है वो 2.03 है, ठीक है, और बी जो है वो क्या है, वो है 4.0। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे सब ये लोग ये बताएं कि इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं दोनों की, और दोनों कितने सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो एमन ने हमें बता दिया है कि दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस एंड दिस इज 1 डेसिमल प्लेस, एंड ठीक है, दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अलमा और एमन दोनों ने जो है वो सही तरह आंसर्स दिए सारे। एक्चुअली तो हमारे पास ये आ गया। ओके नाउ व्हाट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद, अगर आपसे पूछा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी विच इज ए प्लस बी, ठीक है, तो अब आपको अगर इसका फाइनल आंसर देना है तो 2.03 + 4.0 विल बिकम 6.03। ठीक है, बट द आंसर यू आर गोइंग टू गिव इज गोइंग टू बी टू द डेसिमल प्लेस ऑफ द लोएस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू। अगर सिर्फ प्लस हो रहा है तो डेसिमल प्लेस उस तक की दोगे जो लोएस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो आपके पास दोनों वैल्यूज में से लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू ये थी, बी वाली थी, 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इस आंसर को भी आप फाइनल आंसर दोगे 6.0। दिस इज फॉर एडिशन, एडिशन में यू विल राउंड ऑफ टू दी लोएस्ट डेसिमल प्लेस। एक्चुअली इसी तरह सी अगर होता ए माइनस बी, सॉरी लेट्स टेक बी माइनस ए, सो 4.0 - 2.03, तो हमारे पास आएगा 4 - 2.03 इज 1.97। ठीक है, द सेम रूल ऑफ जैसे ये था, ठीक है, द सेम रूल ऑफ जैसे ये था दैट अप्लाइज टू दिस। तो मुझे बताओ कि नाउ यू नीड टू कोट दिस वैल्यू टू द लोएस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू, तो क्या लिखूंगा इसका आंसर? 2.0, वेरी गुड, 2.0 लिखेंगे, लोएस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू की हम डेसिमल प्लेस उठा के लिख देंगे एज आर फाइनल आंसर, वेरी गुड। एक्चुअली अब अगर सी जो है वो क्या होता, सी जो है वो ए मल्टीप्लाइड बाय बी होता, तो ए क्या था, ए था 2.03 और ये (4), तो व्हाट आर वी गेटिंग, 2.03 (4), सो वी आर गेटिंग 8.12। अच्छा नाउ इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अगर मल्टीप्लीकेशन कहीं भी आ गई, ठीक है, तो यू गोइंग टू फॉलो दिस, यानी मल्टीप्लिकेशन अगर बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब कुछ भी हो रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो जस्ट फॉलो दिस रूल। क्या करना होगा, करना ये है कि फिर आप लोएस्ट सिग्निफिकेंस देखोगे, बी इज लोअर सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी सिर्फ, तो वी आर गोइंग टू नाउ कोट दिस टू ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 8.1 लिख के हम इसको छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन आ गई तो हम सिग्निफिकेंट देखना शुरू कर देंगे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट हम लिख देंगे। ठीक है, सो वी हैव गॉट 2 आंसर्स। ठीक है, डिवीजन फॉलोज द सेम रूल, सो डिवीजन विल फॉलो द सेम रूल, आप लोएस्ट सिग्निफिकेंट लिखोगे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट जो थी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपको करना है तो एनी जीरो
जो डेसिमल प्लेस से पहले आ रहे हैं प्रिसीड्स एनी नॉन जीरो नंबर्स वो इनसिग्निफिकेंट होगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर सिग्निफिकेंट, यानी मुझे यहां तक सिग्निफिकेंट बनाना है, ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट करना होगा। सो दिस विल बी 0.51। ठीक है, वेरी गुड अलमा। ठीक है, अलमा गेव दी करेक्ट आंसर 0.51 इज गोइंग टू। एंड सेम विद मल्टीप्लीकेशन, अगर ये होता ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है, तो फॉर इट क्रेडिट, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कहीं पे भी आ गई है, सो जस्ट फॉलो द सिग्निफिकेंट वाला रूल। अगर सिर्फ सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तब डेसिमल प्लेस फॉलो करोगे, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल प्लस डी भी हो रहा था कहीं पे, ठीक है, तो फॉरगेट इट, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला फॉलो करोगे, यानी लोएस्ट सिग्निफिकेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस हो रहा है तब डेसिमल प्लेस देखोगे, वरना 99.999% ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली चीज। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? एंड इवेंचुअली हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि हमें पास में करने होते हैं, तो ये सब चीजें इवेंचुअली बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी।